के साथ आस्था कौशिक। सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से कहा कि चाचा को आपने गच्चा दे दिया। सीएम योगी ने कहा कि भतीजा चाचा से हमेशा डरता रहता है और चाचा के हिस्से में हमेशा मात खाना आता है। सीएम योगी के तंज पर शिवपाल यादव का भी जवाब आया। उन्होंने अपने ही अंदाज में सवाल का भी जवाब दिया। आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। देखिए, हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है, और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं ना कहीं इशारा किया था, हमें वहां पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। और सीएम योगी के गच्चा वाले बयान के बाद अखिलेश यादव का भी पलटवार आया है। दिल्ली से उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। चाचा को धक्का गच्चा दे दिया आपने? नहीं नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया कह रहे योगी। इन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया है। जिन्होंने कहा कि सर चाचा को धक्का गच्चा दे दिया आपने? नहीं मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया कह रहे योगी। इन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है। 2016 की तुलना में दहेज और रेप की घटनाओं में कमी आई है। सरकार के प्रोसिक्यूशन तेज करने की वजह से दोषियों को लगाई गई है। प्रोसिक्यूशन को फास्ट करने, समय पे चार्जशीट दाखिल करने का परिणाम है। नहीं तो होता क्या है, जब हम लोग अपरवाही लेती लेता था, लोकल स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जाता था, अपराध बढ़ते थे, और फिर इनको हल्केपन से लेने का दुष्परिणाम क्या होता था कि हर ऐसा अपराधी स्वच्छंद होकर के अपराध भी करता था और फिर समाज उसके बारे में देखते हुए भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता था। लेकिन आज अपराधी के मन में भय है और उस भय का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है वह देश के अंदर नंबर एक पर है, और उत्तर प्रदेश इस मामले में ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, महिला संबंधी अपराधियों को, जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। 2016 की तुलना में दहेज जैसी घटना के बारे में देखें तो 2016 की तुलना में, 2016 में कुल घटनाएं घटित हुई थी उनकी तुलना में 23-24 के बीच में लगभग 17.5% की कमी घटनाओं में आई है। बलात्कार की घटनाओं में 2016 की तुलना में अगर 23-24 में हम उसकी तुलना करें, इसमें 25.30% की कमी दिखाई गई है। ये रखें कि 17 से लेकर के 24 के बीच में महिला और बालक जो निक बच्चे हैं उसमें से प्रदेश सरकार ने अपने प्रोसिक्यूशन विंग को 102 प्रकरण में अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई जा चुकी है।
17 से लेकर 24 के बीच में पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत 9875 अभियोगों में सजा दिलाई गई है। 2022 से 24 के मध्य में महिलाओं के विरुद्ध पॉक्सो अपराध में न्यायालय के द्वारा 16718 अभियुक्तों को सजा दी गई है, जिनमें 21 को मृत्युदंड, 1713 को आजीवन कारावास, 4653 को 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास और 10331 को 10 वर्ष से कम के कारावास की सजा भी दी गई है। सीएम योगी ने सदन में महिला अपराध की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि यूपी का देश में सजा दिलाने के मामले में तीसरा स्थान है। महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए मामलों में, बलात्कार के मामलों में, नाबालिगों के साथ जो उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए जो मामले थे, वर्षों से पेंडिंग थे, उस पेंडिंग को पूरा करने के साथ आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश के उन टॉप 3 राज्यों में है जिन लोगों ने पेंडेंसी को पूरा करते हुए और देश के अंदर जो पेंडेंसी रेट के आधार पर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान और इन मामलों को अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में, मामलों के पूरी तरह निस्तारण के मामले में देश के अंदर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। महोदय, ई प्रोसिक्यूशन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली को लागू करने वाला राज्य भी है और इसमें देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर यूपी का स्थान है। महिला और बाल अपराध संबंधी अभियोगों के निस्तारण में देश में प्रथम स्थान अलग। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 12909 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें ऊर्जा क्षेत्र के लिए 2000 करोड़, संस्कृति विभाग के लिए 74 करोड़ जबकि ओपन जिम के लिए 100 करोड़ एलोकेट किया गया है। बस खरीदने के लिए 1000 करोड़ भी मिला है। अनुपूरक बजट इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं मान्यवर। उसमें 12909 करोड़ 93 लाख रुपया है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 4227.94 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 7981.99 करोड़ रुपए है। मान्यवर, प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के जो मूल बजट है उसका 1.66% है। अनुपूरक बजट में ऊर्जा विभाग के लिए 200 करोड़ रुपए, परिवहन विभाग के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। 7500.18 करोड़ रुपए औद्योगिक विकास के लिए। अनुपूरक बजट में 2000 करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग के लिए, परिवहन विभाग के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है बसें खरीदने के लिए। नगर विकास विभाग के अंतर्गत अमृत योजना के अंतर्गत सहायता के लिए 600 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश कौशल मिशन द्वारा प्रदान किए जा रहे अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़ रुपए, ग्रामीण स्टेडियम तथा ओपन जिम के लिए 100 करोड़ रुपए, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 284 राजकीय इंटर कॉलेजों के में लैब की स्थापना के लिए तथा 28.40 करोड़ रुपए, 1040 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब की स्थापना के लिए 66.82 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मालूम,